हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल आस्था यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने और रेलवे ने मिलकर नया प्लान तैयार किया है, जिससे सीनियर सिटीजन को एक नई सुविधा मिलने वाली है। दोस्तों, IRCTC इंडियन रेलवे से रिलेटेड दो लेटेस्ट अपडेट आपके सामने मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, पहला लेटेस्ट अपडेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का है और दूसरा लेटेस्ट अपडेट सीनियर सिटीजन के बारे में। तो पहला लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से बता देता हूँ। इंडियन रेलवे एक नए प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें 14 मिनट के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को साफ कर दिया जाएगा। 29 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यह लागू कर दिया गया है। यहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं, 14 मिनट के अंदर पूरी ट्रेन को साफ कर दिया जाएगा ताकि ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाए। यह एक नया प्लान बना रहा है इंडियन रेलवे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की तरफ। दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है, जब भी आपकी फैमिली के कोई मेंबर जो व्हील चेयर से ट्रेवल करते हैं या सीनियर सिटीजन है, उनको चलने में दिक्कत होती है, स्टेशन पर जाते हैं और जल्दी ट्रेन पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इंडियन रेलवे ने एक प्लान बनाया है। अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर एक प्लान बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेलवे में ट्रेन पर चढ़ने के लिए एक नया रैंप लगा दिया जाएगा। व्हील चेयर से जो लोग ट्रेवल करते हैं या सीनियर सिटीजन हैं, तो इस रैंप के जरिए ट्रेन के अंदर आसानी से जा सकेंगे। इससे पहले जो लोग ट्रेन में ट्रेवल करते थे, उनके लिए ये सुविधा नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जो चलने से मजबूर थे। अब उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है इस नई सुविधा मिलने के बाद। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इन दोनों लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।